वॉइस टुडे टीवी नेटवर्क के साथ मैं सैयद उस्मान अली। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क की तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। इस दिन हमारे मुल्क का आईन नाफिज हुआ। अगरचे 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 में हमारा मुल्क एक आज़ाद जमहूरी मुल्क बन गया। इसी दिन के लिए हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने अपना खून जिगर देकर हमारे हिंदुस्तान के परचम को बुलंद किया। हमारे मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियाँ क़यामत तक के लिए मशाल राह है। तमाम ताजरीन गोलकुंडा के लेकर रहने वाले यहाँ पर आए हुए तमाम सयाह यानी पर्यटक, आप तमाम को 17वां यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक। गोलकुंडा गाइड एसोसिएशन की जानिब से हिंदुस्तान की आवाम को ताहे दिल से रिपब्लिक डे मुबारकबाद हो। जय हिंद। ओके तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को जय मुबारक हो रिपब्लिक डे। और 40 साल से हम लोग मना रहे हैं। हमारे सदर मोहतरम जो है गाइड एसोसिएशन की जानिब से बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ मनाया जाता है, सभी को मधु किया जाता है और सब लोग जो है बहुत खुशी और खुशी के संगत जो है ये मनाते हैं। 40 साल से तकरीबन जो है बचपन से हम देख रहे हैं, हमारे बड़े जो है मना रहे हैं और बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। जो हिंदुस्तान में पहली दफ़ा जो KCR साहब हम मैनरी के तालुक से जो करे हैं शायद ये कोई नहीं करे। इसके अलावा जिस अंदाज से उन लोग गंगा जमुना तहजीब को लेकर चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर फेस्टिवल में हर कमरे को साथ देना और साथ ही साथ तारीख खातिर हमारे बैरिस्टर रसूल अली साहब हायदे मिल्लत रही मिल्लत जिस अंदाज से KCR साहब को लेकर चल रहे बहुत बड़ी तारीफ है। और मुकामी MLA साहब कौशल मोदी साहब जिस अंदाज से तमाम ताउन करते हुए हर एक का काम हर जमात के अभी की बात होना सीनियर लीडर गुलाम मोहिद्दीन पाशा भाई साहब, मेरे दोस्त मेरे बड़े भाई जनाब आजम खान साहब, बुजुर्ग शख्सियत गोलकुंडे के जनाब इस्माइल साहब, जनाब हसन साहब और मेरी जमात के तमाम जिम्मेदार मजलिस की रुफा गोलकुंडे के नौजवान साथी मेरी प्रधानमंत्री। मैं सबसे पहले आज 26 जनवरी की तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और खास तौर से रियासत तेलंगाना और हैदराबाद कारवान के तमाम लोग को 26 जनवरी की मुबारकबाद देते हुए और खास तौर से इन तमाम का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ जो मैंने कबूल जो रियासत तेलंगाना और हैदराबाद के अंदर इंतजाम हुआ और जिसके अंदर लड़ाई करते हुए जमात के साथ मिलाया आज के फांदे को फांदा लगा कर काम करे उन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन्होंने 5 साल में एक मरतबा इलेक्शन के दिन पोलिंग के दिन आकर खास तौर से जमात के लिए और जमात की मजबूती के लिए जो काम करे, कोई ऐसे चेहरे हैं जो दिखते नहीं चेहरे, 5 साल में एक मरतबा
जमात के लिए काम करते हैं और अंदरूनी जमात से मोहब्बत रखने वाले उन तमाम लोग को भी मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से उन तमाम को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास हल्के कारवान और गोलकुंडे के नौजवान, मेरे बुजुर्ग हजरात, मेरी प्रधानशी, मेरी माँ और बहनों का जो पिछले 3 महीने तक लगातार मेरी जमात के साथ, जमात के उम्मीदवार के साथ फांदे को फांदा लगा कर काम करे उन तमाम को भी मैं मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो 26 जनवरी का मौका है, हल्के कारवान और गोलकुंडे के अंदर किले बाला इंतजार के सामने जो हर साल 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उस वक्त यहाँ पर हिंदुस्तान का परचम लहराया जाता है, आज भी परचम लहराया जा रहा है। मैं इन तमाम लोग को जो आज ईद का दिन और खास तौर से जो मरहूम हमारे जो हिंदुस्तान का कानून बनाए पीआर डॉक्टर अम्बेडकर साहब का भी, जो आज उन्होंने लिखे हुए कानून के ऊपर जो आज हिंदुस्तान चलता है, आप तमाम हजरात जानते होंगे इस कानून तैयार करने के लिए मैं समझता हूँ 3 साल लग चुके हैं। जो हमारी 1947 के अंदर आज़ादी के बाद 1950 के अंदर इस कानून को मुकम्मल किया गया, मैं इन तमाम लोग को इनकी गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए और तमाम हमारे आज़ादी के अंदर जो हिस्सा लिए बुजुर्ग हजरात उन तमाम को भी मुबारकबाद। और कई ऐसे लोग हैं आज दुनिया से रुखसत हो चुके और यहाँ पर जो भी आए हुए मेरी जमात के हो या मेरे गोलकुंडे के नौजवान हो या मोहित पाले मजलिस हो या इन बुजुर्ग हजरात हो और यहाँ पर जो विशेष के हो तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई खुल कर काम किया, कोई छुप कर हमारी जमात के लिए काम किया, मैं उन हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे नौजवानों से और बुजुर्गों से, मेरी प्रधानशी, मेरी माँ बहनों से आने वाले दिनों के अंदर आज देखते होंगे हिंदुस्तान का पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है। जिस तरीके से आपने MLA इलेक्शन में काम किए उससे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जो हिंदुस्तान के जमात के मजलिस काम तमीर के सदर मोहतरम जनाब नसीब मिल्लत साहब के लिए, उनकी कामयाबी के लिए आपको मुझको जमात की मजबूती के लिए, जमात के उम्मीदवार के लिए, कामयाबी के लिए काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आए हुए तमाम लोग का, मेरे नौजवान और मेरे बुजुर्ग हजरात, घर में बैठ कर सुनने वाली मेरी पर्दा नशी, मेरी माँ और बहनों का तमाम का मैं शुक्र गुजार हूँ, एहसान मंद हूँ और उन तमाम को मुबारकबाद।
आप देखते रहिए वॉइस टुडे टीवी नेटवर्क ताकि हम आप तक पहुंचाते रहें हर खबर सच्ची खबर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।